अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सोहेब, हाजिर हूँ एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। आज फिर मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही खूबसूरत सोसाइटी का रिव्यू लेकर हाजिर हुआ हूँ। ये सोसाइटी मुस्तफाबाद शहर में मौजूद है, मेन फिरोजपुर रोड से वॉकिंग डिस्टेंस पर यह सोसाइटी मौजूद है। आप 1 से 2 मिनट पर पैदल मुसाफत करके भी इस सोसाइटी में एंटर हो सकते हैं। इस सोसाइटी में आप लोगों को 3 मरला, 5 मरला, 6 मरला रेजिडेंशियल प्लॉट मिल सकते हैं। उसके अलावा 1 से 2 मरला आप लोगों को कमर्शियल प्लॉट भी इस सोसाइटी में मौजूद है। ए ब्लॉक है जो ये टोटली कैश पे है, उसके अलावा बी ब्लॉक में आप लोगों को इंस्टॉलमेंट पे प्लॉट मिल सकते हैं। सोसाइटी के अंदर इलेक्ट्रिसिटी अंडरग्राउंड है, सीवरेज मौजूद है, पानी भी मौजूद है। बहुत ही खूबसूरत आप देख सकते हैं सड़कें हैं इसकी अनकरीब, बिल्कुल इसके जो कारपेट रोड भी बन जाएंगे। काफ़ी ज़्यादा इस सोसाइटी में घर बने हुए हैं, ये आप देख सकते हैं मेरे इस तरफ काफ़ी ज़्यादा घर भी बने हुए हैं। फ़ी मरला इधर जो प्लॉट का रेट है वो 4 से 4.5 लाख रुपये आप लोगों को फ़ी मरला इधर प्लॉट मिल जाएगा। 3 मरला प्लॉट की जो टोटल कीमत है वो तकरीबन 12 लाख रुपए है। आप लोगों को हाफ पेमेंट के बाद आप लोगों को पोजेशन मिल सकती है, आप लोग अपना घर बना के यहाँ पे रिहाइश कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा घर बने हुए हैं और बहुत ही खूबसूरत सोसाइटी है। सोसाइटी के बारे में मज़ीद डिटेल लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, आप मुकम्मल डिटेल ले सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टॉलमेंट के हवाले से, और सोसाइटी के बारे में इसके प्लॉट्स और रेट्स के बारे में मुकम्मल तफसील डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो ये मेरे पीछे एक 3 मरले का बहुत ही खूबसूरत कॉर्नर प्लॉट है, तो इस घर को अंदर से देखते हैं और इसकी प्राइस भी आपके साथ शेयर करते हैं। ये इसी सोसाइटी में मौजूद है कॉर्नर प्लॉट, तो आइए मेरे साथ इस घर को अंदर से देखते हैं और इस घर की प्राइस भी आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। जी, तो अभी हम इस घर के पोर्च में आ चुके हैं। यहाँ पे आप लोग अपनी छोटी गाड़ी मेहरान आल्टो वगैरह आसानी के साथ खड़ी कर सकते हैं। तो ये मेरे साथ ड्राइंग रूम है, सामने टीवी लाउंज है। टीवी लाउंज से हम एंटर होते हैं घर के अंदर। नीचे खूबसूरत टाइल लगी हुई है और सीलिंग डिज़ाइन भी आप देख रहे हैं बहुत ही खूबसूरत। और टीवी लाउंज से आपकी स्टेज जा रही है आपके फर्स्ट फ्लोर के ऊपर। नीचे इसका सिंगल बेडरूम है। जी, तो अभी हम टीवी लाउंज में मौजूद हैं। टीवी लाउंज से आप लोगों की स्टेज जा रही है आपके फर्स्ट फ्लोर के ऊपर। अभी हम बेडरूम में एंटर होते हैं और बेडरूम का सीलिंग डिज़ाइन, अटैच वाशरूम आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। जी, तो ये आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत दीवारें और सीलिंग डिज़ाइन है। बेडरूम के साथ साथ अटैच वाशरूम है, वाशरूम को भी आप लोगों को दिखा देते हैं। जी, तो ये है वाशरूम। वाशरूम में आप लोगों को सीट मिलेगी, उसके अलावा ये बेसन भी लगा हुआ है, शॉवर भी लगा हुआ है। ये है ग्राउंड फ्लोर का फर्स्ट बेडरूम। बेडरूम के साथ ही अटैच किचन है। जी, तो ये बेडरूम के साथ किचन है। किचन में एंटर होते हैं, ये आप देख सकते हैं किचन काउंटर टॉप पे ब्लैक ग्रे नाइट्स लगाया गया है। पीछे ओपन एरिया है, आप लोग किचन से बाहर भी जा सकते हैं। और ये टीवी लाउंज है, टीवी लाउंज के साथ ही ड्राइंग रूम है। ड्राइंग रूम का सीलिंग डिजाइन आप देख सकते हैं। अभी चलते हैं हम स्टेज से इस घर के फर्स्ट फ्लोर के ऊपर और फर्स्ट फ्लोर को भी देखते हैं। स्टेज के ऊपर ब्लैक ग्रे नाइट लगाया गया है जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा है। उसके अलावा ये फर्स्ट फ्लोर स्टेज खत्म होते साथ ही आप टीवी लाउंज में एंटर होते हैं। ऊपर इस घर के 2 बेडरूम्स हैं। फर्स्ट बेडरूम में एंटर होते हैं, नीचे आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत टाइल लगाई गई है। इसके अलावा ये सीलिंग डिजाइन। हर बेडरूम के साथ अटैच वाशरूम है। वाशरूम में आप लोगों को इस वाशरूम में आप लोगों को कमोड मिलेगा, उसके अलावा बेसन भी इंस्टॉल है। अभी चलते हैं दूसरे बेडरूम की जानिब जो कि घर के फ्रंट एलिवेशन फ्रंट पे मौजूद है। नीचे सेम टाइल ब्लैक बॉर्डर के साथ सीलिंग डिजाइन। इसके साथ भी अटैच वॉशरूम है जिसमें कमोड इंस्टॉल है और बेसिन भी इंस्टॉल है। बहुत ही खूबसूरत टाइल्स लगाई गई हैं। जी, तो ये ओपन टेरेस है, यहाँ पे आप लोग अपना टी वगैरह एंजॉय कर सकते हैं बैठ के। टेरेस के ऊपर ये शेड लगाया गया। और अभी चलते हैं इस घर के सेकंड फ्लोर के ऊपर। जी, तो ये हम अभी टॉप पे आ चुके हैं। ये भी इसको आप ममटी भी बोल सकते हैं और आप इसको सर्वेंट क्वार्टर और बेडरूम भी बोल सकते हैं। और ये हमारा फ्रंट पे टेरेस है, यहाँ पे आप लोग बैठ के मौसम इंजॉय कर सकते हैं। और ओवरऑल आप देख सकते हैं ये सोसाइटी का रिव्यू।
ये आप देख सकते हैं सारी अंडरग्राउंड लाइट्स और ये बहुत सारे घर बने हुए हैं। ये सोसाइटी का टॉप व्यू आप देख रहे हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, मज़ीद इस घर के बारे में और सोसाइटी के बारे में डिटेल्स आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे।